हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपथ अकेडमी। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैक दिल्ली में फाइनल एडमिशन के टाइम पे, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे किस किस डॉक्यूमेंट की नीड पड़ने वाली है। डॉक्यूमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहले से डॉक्यूमेंट बना करके रख लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको दिक्कत आ सकती है। डॉक्यूमेंट्स बनवाने में कई बार काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता है, और बच्चों अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो मे बी आपकी सीट को भी कैंसिल कर दें। सो स्टूडेंट, ये गलती नहीं करना है, बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट से देखना है, स्किप मत करना। चाहो तो 1.5x या 2x पे देख सकते हो अगर समझ में आता है तो, ठीक है। लेकिन बच्चों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताऊंगा जिन डॉक्यूमेंट की नीड पड़ने वाली है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, फाइनल एडमिशन के टाइम पे। और स्टूडेंट्स, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनने वाला है। सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन इन जैक दिल्ली काउंसलिंग। तो सबसे पहले बच्चों देखो, लास्ट वीडियो में मैंने जैक दिल्ली के ब्राउजर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 94 पेज का वो ब्राउजर है, लेकिन मैंने किसी भी पॉइंट को मिस नहीं किया है। सो उस वीडियो को ध्यान से देख लेना। बाकी बच्चों, ब्राउजर में जब आप लोग जाते हो तो पेज नंबर 89 पे पूरा लिस्ट दे रखा है कि किस किस डॉक्यूमेंट की नीड पड़ने वाली है, ठीक है। लेकिन बच्चों, कई बार इस डॉक्यूमेंट के बारे में रीड करके भी, पढ़ करके भी समझ में नहीं आता है कि किस डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है। आप लोग फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कर रहे हो, है ना, इसीलिए। सो स्टूडेंट्स, पहला डॉक्यूमेंट है हमारा रिसीप्ट ऑफ दी सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट। सो देखो बच्चों, अभी तो फिलहाल रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 25th ऑफ जून तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद बच्चों, जब फर्दर शेड्यूल आएगा तो बच्चों राउंड वन का सीट अरेंजमेंट के रिजल्ट आने के बाद जाकर के आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट मिला होगा उन सभी को सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होता है। सीट एक्सेप्टेंस फी है 95,000 रुपीज। ये फी पे करना मैंडेटरी होता है, अगर नहीं पे करोगे तो आपके सीट को कैंसिल कर देंगे। इन सारे पॉइंट को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ में काउंसलिंग प्रोसीजर को भी बताया हुआ है, ब्राउजर वाले वीडियो में उस वीडियो को देख लें। सो स्टूडेंट्स, पहला जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो है रिसीप्ट ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट। यानी कि बच्चों, जो आप लोग फी पे करोगे, सीट एक्सेप्टेंस फी जो पे करोगे 95,000 रुपीज, उसी का आपको रिसिप्ट को प्रिंट करवा के रख लेना है, और ये लेकर के जाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। देखो स्टूडेंट्स, सेकेंड जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो है ऑनलाइन क्रिएटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन बाय गार्जियन स्लैश पेरेंट एंड कैंडिडेट। सो देखो बच्चों, आपने जो रजिस्ट्रेशन किए हुए हो उसी को बच्चों प्रिंट करवाना है। लॉगिन करके पोर्टल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, उसे प्रिंट करवा लेना, और प्रिंट करवाने के बाद बच्चों उस पर अपने पेरेंट्स के साइन करवा लेना, और साथ में आप भी साइन कर लेना, और इसे भी लेकर के जाना है। सो स्टूडेंट्स, यही है आपका सेकंड डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड डॉक्यूमेंट की। सो बच्चों, थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका प्रिंट आउट ऑफ फील्ड चॉइसेस। देखो बच्चों, जो भी आप लोग चॉइस प्रिंट करोगे उसी को प्रिंट करवा करके भी लेकर के जाना है, क्योंकि बच्चों इसको भी चेक करते हैं, इसी के बेसिस पे वो लोग देखते हैं कि क्या अलॉट हुआ है। खैर, यही है स्टूडेंट्स कि जो भी आप लोग चॉइस प्रिंट करोगे उसका भी प्रिंट आउट लेकर के जाना है। अब देखो बच्चों, चॉइस प्रिंट तो आप लोग कर लोगे, लेकिन बच्चों चॉइस प्रिंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज के पर्टिकुलर ब्रांच को फर्स्ट नंबर पे रखोगे तो आपको एक्स्ट्रा प्रायोरिटी मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। और देखो बच्चों, कॉलेज की बात करेंगे जैक दिल्ली में, सो डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपलआईटी दिल्ली, आईजीडीटीयूडब्ल्यू, और साथ में डीएसयू भी है। बच्चे को पता ही नहीं रहता है, बच्चे क्या करते हैं कि डीटीयू एनएसयूटी का फिल कर देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स उनके पास नॉलेज नहीं होता है कि एनएसयूटी के ईस्ट कैंपस को कहाँ रखना है, वेस्ट कैंपस को कहाँ रखना है, डीएसयू को कहाँ रखना है। और इसी गलती के वजह से बच्चे को अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच नहीं मिल पाता है, डीएसयू में चले जाते हैं और बाद में पछताते हैं। सो बच्चों, सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करके फीचर करके बाय कर लेना। जैसे ही बाय करोगे वैसे ही सबसे पहले हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जाकर के कॉल पे आपके जितने भी क्वेरी होंगे सबसे पहले आपके क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाएंगे, जहां पे ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर रखा है, वो वहां पे एनरोल्ड हैं, आप भी वहां पे एनरोल्ड हो जाओगे। और बच्चों उसके बाद अभी से लेकर के जब तक कि आपका फाइनल एडमिशन नहीं होता है, चाहे आपका स्पॉट ऑन हो, हर एक राउंड में हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे, और फाइनल एडमिशन तक हम आपकी हेल्प
हेल्प कर रहे होंगे, आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करेंगे, आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसिंग करवाई जाएगी और बच्चों लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा। देखो बच्चों लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, पूरा एक्सपीरियंस है, चाहो तो आप लोग चैनल को चेकआउट कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना एक्सपीरियंस है हमारे पास। सो बच्चों जल्दी से बाय कर लेना। और सबसे बड़ी बात ये बच्चों कि ये सारा फीचर सिर्फ और सिर्फ 999 rupees में ही दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ही है, बहुत जल्द ही इसका प्राइस बढ़ने वाला है। सो बच्चों जल्दी से बाय कर लेना। और देखो बच्चों अगर आप लोग सिर्फ जैक दिल्ली का बाय करोगे उस केस में 999 rupees लगेगा, लेकिन बच्चों अगर आप लोग मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट बाय करते हो जैसे कि जैक दिल्ली के साथ IPO, जैक दिल्ली के साथ जोसा काउंसलिंग, तो बच्चों उस केस में कॉम्बो ऑफर लग जाएगा और भी कम प्राइस में हो जाएगा। सो बच्चों सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से चेकआउट कर लेना और जल्दी से बाय कर लेना। बाय करोगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट यही है हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट कि जो भी आप लोग चॉइसलिंग करोगे उसी का प्रिंट आउट लेकर के जाना है। बात करते हैं फोर्थ डॉक्यूमेंट के बारे में। सो फोर्थ डॉक्यूमेंट है आपका 3 passport size photograph। सो स्टूडेंट अपना फोटो लेकर के जाना है, 3 photo लेकर के जाना है और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना है, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ गया है। सो फिफ्थ डॉक्यूमेंट है आपका प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ JEE Main 2023। तो सबसे पहली बात बच्चों ये कि स्कोर कार्ड आप लोग फाइनल वाला लेकर के जाओगे जिसमें आपका रैंक है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको एडमिट कार्ड वो सेशन वाला लेकर के जाना है जिसमें आपके बेटर परसेंटाइल बने थे अगर आपने दोनों अटेम्प्ट दिया था तो। अगर आपने सिर्फ सिंगल अटेम्प्ट दिए थे तो आपको वही एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, लेकिन अगर दोनों अटेम्प्ट दिए थे तो उस केस में जिस भी अटेम्प्ट में आपके बेटर परसेंटाइल बना था वो लेकर के जाना है, ठीक है बच्चों। तो ये भी समझ में आ गया है, ये है हमारा फिफ्थ डॉक्यूमेंट। सिक्स डॉक्यूमेंट है हमारा मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि बच्चों क्लास 12 का आपको मार्कशीट लेकर के जाना है, ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर के जाना है, ठीक है बच्चों। तो सिक्स डॉक्यूमेंट समय में आ गया है। सेवंथ डॉक्यूमेंट है आपका प्रिंट आउट ऑफ सीट अलॉटमेंट लेटर। सो बच्चों जब भी आपको सीट मिलेगा, सीट मिलने के बाद सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है और उसको लेकर के जाना है। देखो बच्चों 2021 तक जैक दिल्ली का अलग सिस्टम था, बट बच्चों अब इन्होंने चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, तो पहले ऐसा था कि सारे राउंड होने के बाद जाकर के आपको फाइनल एडमिशन के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती थी, लेकिन बच्चों अब इन्होंने चेंज कर दिया है। अब ऐसा करते हैं कि हर एक राउंड होने के बाद हर एक राउंड में जिन भी स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम सीट मिला होता है उन सभी को फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए जाना होगा, उस कॉलेज में जाना होगा जहां पे आपको सीट मिला होगा। तो जैक दिल्ली वाले अलग अलग कैटेगरी वाले बच्चे को अलग अलग दिन बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। अभी शेड्यूल नहीं आया है, जैसे ही शेड्यूल आएगा मैं आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा। बस यही है बच्चों कि जिस भी स्टूडेंट को जिस भी राउंड में फर्स्ट टाइम सीट मिलेगा, सीट मिलने के बाद जाकर जिस भी कॉलेज में सीट मिला होगा उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिला, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए, उसके बाद सेकेंड राउंड में अगर फर्दर अपग्रेडेशन होता है तो फिर से नहीं जाना होगा। है स्टूडेंट्स आपका अलग ही कॉलेज में अपग्रेड हुआ हो तभी आपको नहीं जाना होता है, ठीक है बच्चों। तो यही है आपका सेवंथ डॉक्यूमेंट। एट डॉक्यूमेंट है आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें आपको क्लास 10th का मार्कशीट लेकर के जाना है, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। नाइन्थ डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। सो नाइन्थ डॉक्यूमेंट है आपका बोनस पॉइंट डॉक्यूमेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल है IIIT Delhi में। सो बच्चों अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है, जैसे कि आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा का कुछ है या फिर आप लोगों ने TSC क्लियर किए हुए हो, उस केस में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए होंगे, तो बच्चों उस डॉक्यूमेंट को आपको लेकर के जाना है, ठीक है बच्चों। तो ये भी समझ में आ गया है। टेंथ डॉक्यूमेंट हमारा रिजर्व कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। सो बच्चों अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि EWS, OBC, SC और ST, तो बच्चों वो सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना होगा। वहां पे लिखा हुआ है स्लैश में सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। सो बच्चों अगर आप लोग कश्मीरी माइग्रेंट वाले बच्चे हो या फिर डिफेंस वाले बच्चे हो तो आपको वो सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी समझ में आ गया है। 11th डॉक्यूमेंट है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सभी को लेकर के जाना होता है, मैंडेटरी होता है बच्चों मेडिकल सर्टिफिकेट। कैसे बनवाओगे, तो बच्चों इसी ब्राउजर में
डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दे रखा है, मेडिकल सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को प्रिंट करना है और प्रिंट करवाने के बाद जाकर के किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास चले जाना है। इट डजंट मैटर कि वो एमबीबीएस डॉक्टर प्राइवेट के हैं या गवर्नमेंट के हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बस ये मैंडेटरी है कि वो एमबीबीएस होना चाहिए, प्राइवेट का भी चल जाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेना और ये लेकर के जाना है, सभी बच्चे को लेकर के जाना है, मैंडेटरी है। ठीक है बच्चों, तो ये भी समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों 12th डॉक्यूमेंट आपका पीडी सब कैटेगरी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी में आते हो तो बच्चों आपको वो डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाना होगा। यही आपका 12th डॉक्यूमेंट। 13th डॉक्यूमेंट है डिफेंस सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है बच्चों, तो वही है कि जितने भी स्टूडेंट डिफेंस के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, डिफेंस में अप टू प्रायोरिटी 9 तक होता है, ब्राउशर में अच्छे से दे रखा है, आप लोग इसे देख भी सकते हो। बाकी बच्चों जो मैंने वीडियो बनाया था, ब्राउशर को जो एक्सप्लेन किया था, 25 मिनट की वीडियो है, उसमें भी बता रखा है डिफेंस में अलग अलग प्रायोरिटी में अलग अलग सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। यही डॉक्यूमेंट आपका 13 डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो बच्चों यही 13 डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगा? तो बच्चों वो तब होगा जब आपको किसी भी राउंड में फर्स्ट टाइम सीट मिला होगा। सीट मिलने के बाद जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। कहाँ पे करनी होगी? तो उस कॉलेज में करनी होगी जिस कॉलेज में आपको सीट मिला होगा। उसके बाद बच्चों फर्दर राउंड में अगर आपका सीट अपग्रेड होता है सो दोबारा से रिपोर्टिंग नहीं करनी होगी। ये समझ में आई गया है? सो बच्चों इन सारे डॉक्यूमेंट को बना करके रेडी करके रख लेना। बाकी बच्चों जैक दिल्ली के काउंसलिंग में कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का नीड नहीं पड़ने वाला है। और बच्चों साथ में अगर आप लोग ड्रॉपर थे तो बच्चों आपको एफिडेविट यानी कि गैप ईयर सर्टिफिकेट भी नहीं बनाना है। गैप ईयर सर्टिफिकेट की भी ये लोग डिमांड नहीं करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आ गया होगा। इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड पड़ने वाली है, इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट की नीड नहीं पड़ने वाली है। सो ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट अपना अरेंज कर लेना और ध्यान से लेकर के चले जाना। सो होप सो बच्चों सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है सो मेक श्योर कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना ताकि उनके भी ये डाउट क्लियर हो सके। बाकी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके इस पूरे जर्नी में ये चैनल काफी इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, आप लोग चैनल को चेकआउट कर सकते हो। आपकी जितने भी क्वेरी है वो सबसे सही तरीके से यहीं पे क्लियर होगा। बाकी स्टूडेंट्स वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों आप सभी का पर्सनल क्वेरी होता है और साथ में आपका रैंक अलग है, अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलेज मिलेगा और साथ में अलग अलग ब्रांच मिलेगा। और बच्चों आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच तभी मिलेगा जब आपकी चॉइस लिंक एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा, परफेक्ट ऑर्डर में होगा। एक पर्टिकुलर कॉलेज के पर्टिकुलर ब्रांच को फर्स्ट नंबर पे रखने से एक्स्ट्रा प्रायोरिटी नहीं मिलता है और बच्चों चॉइस लिंक आपका परफेक्ट ऑर्डर में भी होगा जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगा। और आप लोग फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कर रहे हो तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगा। सो बच्चों हमारा पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट जरूर बाय कर लेना, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो बच्चों जल्दी से बाय कर लो, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। काफी कम प्राइस में करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 999 rupees ही आपको पे करना है। और अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होगा हम आपके साथ में होंगे, आपको पर्सनल मेंटर भी मिलेगा। सो बच्चों जल्दी से बाय कर लो, ऑल लिंक्स इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय।